केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, गृह सचिव IB चीफ, DGP जम्मू कश्मीर, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर, CRPF के DGA कुलदीप सिंह, BSF के अधिकारी, ITBP के DG, DGBRO सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उस मीटिंग के दौरान की, क्योंकि दो सालों से अमरनाथ यात्रा कोरोना की वजह से बंद है। हालांकि इस दौरान 370 को जब हटाया गया उस वजह से भी वक्त से पहले अमरनाथ यात्रा को संपन्न कर दिया गया था, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। महादेव के भक्त अमरनाथ के दर्शन करने के लिए निकलेंगे, फिर चाहे वो पहलगांव हो या फिर बालटाल का रास्ता हो। किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 370 हटने के बाद ये पहली धार्मिक यात्रा जो एक बड़े स्तर पर होनी है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, क्या इस बैठक की संजीदगी इससे भी समझे, गंभीरता इससे भी समझे कि 370 हटने के बाद जिस तरीके का कश्मीर में हाल है, वहां अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित कराना वाकई में एक बड़ी चुनौती और इसलिए ये मीटिंग की गई? देखिए, लगातार देश में अलग अलग तरीके से, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे और हाल ही में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तमाम चीजें हुई, उसको देखते हुए अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है अमित शाह। अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने श्रीनगर में यात्रियों के हिसाब से विमान सेवाएं बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। जी, गृहमंत्री ने 6000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर 100 बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए भी कहा रास्ते में, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अगर हम उस लिहाज से समझें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की जो यात्रा है वो वैसे ही बहुत कठिनाईदायक होती है, और जहाँ पर इस तरह की सुरक्षा की स्थिति हो, 100 बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा गया, 100 बेड वाला हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा गया, और रास्ते में यात्रियों को रोकने के लिए टेंट की व्यवस्था इस तरह से कि वो आराम से वहां पर रह सके। आपको पूर्व व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए, क्या कुछ तमाम चीजें होनी चाहिए। बैठक में कौन कौन शामिल हुए वो आपको बताएं कि अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, CRPF के DGP कुलदीप सिंह समेत। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।